यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग के काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां जाकर आप लोग उसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिटन वर्क पब्लिश्ड इन ए प्रिंट मीडियम फॉर द मोटिव ऑफ प्रोपेगेटिंग द न्यूज एनालिसिस ऑफ रिजल्ट और फॉर एजुकेशनल मोटिव। सो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपली ये पूछ रहा है कि जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मोटिव न्यूज को प्रोपोगेट करना या फिर रिजल्ट को एनालाइज करना या फिर एजुकेशनल मोटिव है। तो देखो यार, आर्टिकल जो होता है वो यही सब मोटिव के लिए होता है, इसलिए हमें इसका आंसर टिक करना होगा, आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच पॉइंट ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी नेसेसरीली एम्फसाइज्ड इन एन आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज का होता है। तो देखा जाए तो मुख्य रूप से जो आर्टिकल होता है वो प्राइमरी एंड इम्पेरेटिव पॉइंट्स पर लिखा जाता है। अब काफी सारे लोग पूछेंगे कि यही क्यों आंसर होगा। तो सुनो, जो प्राइमरी होता है इसका मतलब होता है प्राथमिक। तो आर्टिकल हमें एक प्राथमिक या फिर एक किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखना होता है। और इम्पेरेटिव मतलब भी होता है सबसे ज्यादा अनिवार्य, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक या फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं। तो इसलिए हमने इसका आंसर सी लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच पार्ट ऑफ द आर्टिकल शुड बी कैची, थॉट प्रोवोकिंग एंड डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पर पूछा गया है कि आर्टिकल का कौन सा ऐसा पार्ट होना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा कैची होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रोवोकिंग थॉट वाला होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। कैची यानी कि जो सभी का अटेंशन कैच करे, थॉट प्रोवोकिंग यानी कि विचारशील होना चाहिए, एंड डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग ये है कि कम शब्दों में वो पूरा ओवरव्यू बता सके। अब कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग होता है लेंथी लिखना और ये वो, लेकिन क्वेश्चन के मिजाज को समझो दोस्त, ऐसे ही कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। तो जो कुछ भी हमने अभी डिस्कस किया उस हिसाब से तो इसका आंसर टाइटल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन एन आर्टिकल। तो देखो, आर्टिकल के जरिए हम लोग किस तरह का इनपुट एंड आउटपुट यानी कि मैसेज दे रहे हैं वो किस फॉर्म में होना चाहिए। ऑप्शंस गिवन है वर्बल, डिस्क्रिप्टिव, विजुअल, आर्गुमेंटेटिव, वर्बल, विजुअल या बोथ एंड बी। वर्बल डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्ड के जरिए हम उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, विजुअल आर्गुमेंटेटिव मतलब कि विजुअलाइज करवा कर, एंड जो ऑप्शन सी है वर्बल विजुअल, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वर्बल या विजुअल एक साथ कहाँ करते हैं हम, स्पेशली आर्टिकल में। इसलिए इसका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन एन आर्टिकल। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें आर्टिकल के सीक्वेंस में अरेंज करना है। सो गाइस देखो, आर्टिकल में सबसे पहले आता है टाइटल जो कि सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है, आई कैचिंग टाइटल। तो ये जो सेकंड वाला है सबसे पहले आएगा। उसके बाद होना चाहिए कंटेंट जो कि फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, क्लियर एंड एक्यूरेट कंटेंट। इसलिए अरेंजिंग में हम सेकंड नंबर पे रखेंगे फर्स्ट वाले सेंटेंस को। उसके बाद जो मेन थीम का पैराग्राफ होता है वो आता है जो कि है थर्ड सेंटेंस में। फिर हम देते हैं लॉजिकल आइडियाज जो कि है फोर्थ सेंटेंस में, और आखिरी में होता है कंक्लूजन जो कि है फिफ्थ सेंटेंस में। सो राइट अरेंजमेंट होगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो आर्टिकल की बॉडी होती है उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें मेनली क्या होना चाहिए। तो जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से ऑप्शन सी पे नजर डालो, वो है टॉपिक इंट्रोडक्शन। आर्टिकल की बॉडी का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एन आर्टिकल शुड ऑलवेज बिगिन विथ। जो आर्टिकल होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट के साथ स्टार्ट होना चाहिए, तभी तो दर्शकों का इंटरेस्ट जागेगा बाकी आर्टिकल पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मेकिंग स्मॉल सेंटेंसेस इन एन आर्टिकल हेल्प टू, यानी कि आर्टिकल में छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने में क्या फायदा होता है। तो सुनो अब फायदा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे फिर से सीक्वेंस पूछा गया है। तो देखो यार, जो हम आर्टिकल लिखते हैं उसमें सबसे पहले हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, उसके बाद सजेस्ट करते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं। इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दसवीं क्वेश्चन की ओर, द ओपनिंग पैराग्राफ इन एन आर्टिकल राइटिंग मस्ट। ऑप्शंस के माने कैच अटेंशन, अराउज इंटरेस्ट, स्टेट व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आर्टिकल राइटिंग का ओपनिंग पैराग्राफ होता है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो अटेंशन कैच करना चाहिए, रीडर का इंटरेस्ट जागना चाहिए, और साथ ही साथ जो ओपनिंग पैराग्राफ होता है वो यह स्पष्ट कर दे कि जो आर्टिकल है वो किस बारे में। तो ये तीनों ही चीजें तीनों ऑप्शंस में दी गई हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस होती हैं और जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो आर्टिकल में कब मेंशन्ड होनी चाहिए। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये कंक्लूजन में ऐड की जाती हैं, कहां आगे बढ़े बबुआ बढ़ जावत हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम नजर डालते हैं, सब हेडिंग्स आर यूजफुल इन आर्टिकल्स बिकॉज।
आर्टिकल्स में जो सब हेडिंग्स होती हैं वो क्यों यूजफुल होती हैं? तो देखो, जो ऑप्शन नंबर ए है वही इसका आंसर होगा। दे हेल्प ऑर्गेनाइज आइडियाज। इसका मतलब होता है कि जब भी हम सब हेडिंग को देखते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये जो आर्टिकल है ये किस बारे में होने वाला है। और वो जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, वो तुमसे काफी ज्यादा नाराज है जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, देख लो, तुम खुद देख लो, वो गुस्से में लाल हो रखा है। तो उसे ग्रे कर दो और घंटा भी बजा दो। और जिस किसी को भी पीडीएफ डाउनलोड करना है मेरे चैनल पे जाके कर लो और सब्सक्राइब भी कर देना। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे जिसका भी हो।